वो जो चंपारण में जो अरेंजमेंट था शेयर क्रॉपिंग का अर्थात बंटवारे का जो फसल थी उसके बंटवारे का वो बड़ा अर्क सम था द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्क टू द प्रेजेंट टू द पेजेंट्स अर्क सम मतलब uh, परेशान करने वाला अर्क डोंट अर्क मी सी द स्पेलिंग आई आर के बट द प्रनंशन इज अर्क इट वॉज अर्कसम परेशान करने वाला था एंड मैन साइन विलिंगली और कुछ लोगों ने साइन भी कर दिया था बहुत से लोगों ने उसमें दस्खत भी कर दिए थे जो अरेंजमेंट था उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था देसो दोज हुटेड एंगेज लॉयर्स लेकिन जिन्होंने इस अर्कसम क्रॉपिंग अरेंजमेंट का विरोध किया प्रतिरोध किया उन्होंने वकील हायर किए वकील लिए एंगेज लॉयर्स किराए पर लेना क्योंकि वो विरोध कर रहे थे द लैंड लॉर्ड हायर्ड ठग्स एक और जहां विरोध करने वाले किसान वकीलों की सेवाएं ले रहे थे पैसा देकर इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रतिरोध में वहीं दूसरी ओर जो लैंड थे जमींदार थे उन्होंने ठगों को ले लिया ठग मतलब उनके गुंडे उनके बदमाश जो दबाव डालेंगे किसानों पर उस पर दस्खत करने के लिए जो दबाव डालेंगे किसानों पर शेयर क्रॉपिंग पर सहमति देने के लिए अरेंजमेंट पर आदि आदि सो लैंड ठग्स को ले रहे थे देखिए टी एच यू जी ठग ठग हिंदी शब्द है लेकिन अंग्रेजी में पूरी तरह से वैसा ही ले लिया गया है तो इस प्रकार ये अंग्रेजी शब्द भी बन गया है एक हिंदी शब्द अंग्रेजी शब्द बना एंड दैट इज द रीजन वाई इंग्लिश इज सो रिच बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड फ्यू फ्रॉम डिफरेंट हैिड इट सेल्फ एंड दैट इज द रीजन वी से इंग्लिश इज ए लाइव लैंग्वेज अंग्रेजी जो है वो जीवंत भाषा है जो समय के साथ नए नए शब्दों को लेती रहती है दूसरी भाषाओं के और अपनी भाषा में उसे का हिस्सा बनाती है इट्स लाइव लैंग्वेज जीवंत भाषा सो हियर इज द वर्ड मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच दीन वाइल मतलब इस बीच सिंथेटिक मतलब मैंने आपको बताया था कृत्रिम कृत्रिम नील के निर्माण का जो निर्माण की जो खबर थी जो सूचना थी जानकारी थी वो अशिक्षित किसानों तक पहुंच गई वही नील की खेती वही नील कृत्रिम नील जो का उत्पादन जर्मनी में शुरू हो गया था इसकी जानकारी अभी किसानों तक पहुंच गई यद्यपि ये अशिक्षित थे पर चूंकि ये लोग भी नील की खेती करते थे नील के बारे में जो नई चीज हुई थी नया आविष्कार हुआ था कृत्रिम नील के उत्पादन को लेकर उसकी जानकारी इन तक पहुंच गई जिन्होंने दस्खत किए थे एंड दे वांटेड देयर मनी बैक और अब ये लोग अपना पैसा मांग रहे थे क्यों क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इन्हें पैसा देना था अब जब कृत्रिम नील आ गया तो कौन खरीदेगा इनके नील को उसके ग्राहक कम होंगे ये जो कमर्शियल क्रॉप थी व्यावसायिक क्रॉप थी व्यावसायिक फसल थी अब उसका उसकी उपादेयता उस हद तक कम हो गई थी तो इसलिए किसान लोग कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के बाद भी जब उन्हें मालूम हुआ कि कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू हो गया है कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर उन्होंने जमींदारों से अपना पैसा मांगना शुरू किया तो इस प्रकार किसी न किसी कारण से अधिकतर किसान अब इस प्रथा के शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट के विरोध में खड़े थे एट दिस पॉइंट गांधी अराइव इन चंपारण इस दौरान इस क्षण गांधी चंपारण पहुंचते हैं अभी तो मुजफ्फरपुर में थे सब लोगों से जानकारियां एकत्रित कर रहे थे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे अब वो चंपारण पहुंचते हैं ही विज्ञान बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स विज्ञान शुरुआत की उन्होंने अपनी शुरुआत चंपारण के निवास की चंपारण में रहने की शुरुआत उन्हें उन्होंने सच्चाई जानने से शुरू की पता लगाने की शुरू की कि पता लगाने की कोशिश की सच्चाई क्या है अर्थात समस्या की गहराई पर जाने की कोशिश फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन एक बना हुआ था जो बहुत ताकतवर संस्था थी जिसमें जमींदार लोग थे और अंग्रेजों का वरद हस्त था उसके सचिव से जाके मिले सबसे पहले ताकि उनका पक्ष तो जाने जमींदारों का पक्ष तो जाने कि उनका क्या कहना है इस मामले में किसानों के विरोध को लेकर उनका क्या कहना है उनकी क्या प्रतिक्रिया है और कैसी प्रतिक्रिया और क्यों है ये किसानों का असंतोष क्यों है इसकी जानकारी वो पहले जमींदारों से लेना चाहते थे उनकी क्या सोच है द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कु नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर सचिव ने कहा गांधी महोदय किसी बाहरी व्यक्ति को हम इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकते ऐसा कहकर उसने अपने हाथ झाड़ लिया सोचिए इसका मतलब क्या हुआ जब आप कुछ गलत करते हैं तभी ऐसे जवाब देते हैं वेन यू डू समथिंग रॉन्ग यू गिव ए राउंड अबाउट आंसर That I cannot give आई कैनॉट uh, you are an outsider. Very funny answer. So Gandhi was given this answer कि आप बाहर के हैं बाहरी व्यक्ति हैं इसलिए हम आपको जानकारी नहीं दे सकते Gandhi answered that he was no outsider. Gandhi ने कहा मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं अपनी बात उन्होंने रख दी और इसके बाद गांधी जी आ गए उन्होंने किसी तरह की तीव्र प्रतिक्रिया या भीड़ को इकट्ठा करना या आंदोलन आंदोलित हो जाना यह कुछ नहीं किया बात सुनी और अपना उत्तर दे दिया कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले टू कॉल ऑन मतलब जाना आई कॉल्ड ऑन द कलेक्टर ऑफ रायपुर मैं रायपुर के कलेक्टर के पास गया था प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल टूडेल ऑन मतलब मिलना जाना नहीं मिलना मिलने के लिए जाना सो ही कॉल्ड ऑन होम द कमिश्नर कमिश्नर के पास गए कहा के कमिश्नर जो तिरहुत डिविजन था जिसके अंतर्गत चंपारण जिला आता था डिविजन मतलब क्या होता मंडल और एक मंडल में कुछ जिले रहते हैं वो तो कुछ जिलों को मिलाकर एक मंडल बनता है और एक मंडलाधिकारी होता है जिसे कमिश्नर कहते हैं तो कमिश्नर के पास गए किस कमिश्नर के पास तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास और क्यों तिरहुत क्योंकि चंपारण जिला तिरहुत के अंतर्गत आता था द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। अब गांधी लुई फिशर को बता रहे हैं ऑथर को बता रहे हैं इसीलिए इन्वर्टेड कॉम है में फिर से गांधी के शब्दों में

कहां से कहाँ चले जाओ लीव तिरहुत तिरहुत कमिश्नरी के बाहर चले जाओ एक तरीके से धमकी दी उनको एक तरीके से धमकी देते हुए उसने कहा जब गांधी उसके पास गए और उससे समस्या जानने की कोशिश की वेंट गांधी वेंट कमिश्नर एंड ट्राई टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंस द कमिश्नर रिप्लाइड सॉरी नॉट ट्रबल मी आई विल आई हिम परेशान किया धमकी दी एंड एडवाइज और समझाइश दी कि गांधी महोदय बेहतर होगा आप यहां से तुरंत तिरहुट डिवीजन के बाहर चले जाएं। एक तरीके का आदेश था कमिश्नर कुछ बोले तो आदेश ही था फोर्थ विथ मतलब तुरंत इस क्षण के बाद तुरंत आप बाहर चले जाए आई डो नॉट वॉन्ट टू सी यू फोर्थ विथ अब इसके आगे तुमको नहीं देखना चाहता तो ऐसा ही कुछ तिरहुत के कमिश्नर ने कहा कि प्लीज गो आउट ऑफ दिस डिविजन इमीजिएटली द न्यूज ऑफ गांधी एडवेंट एडवेंट मतलब अराइवल गांधी के आने की खबर एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन और उनके आने का उद्देश्य नेचर मतलब उद्देश्य प्रकृति गांधी के आने की खबर एडवेंट मैंने आना घटना का समय एट द एडवेंट ऑफ दिस डेट आई विल एडवेंट मतलब घटना के दिन घटना का समय सो so, गांधी के आने की जानकारी और किस लिए आए हैं इसकी जानकारी लोगों में बड़ी तेजी से फैल गई स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर पूरे मुजफ्फरपुर में आग की तरफ फैल गई स्प्रेड क्विकली इसे हिंदी में क्या कहेंगे फैल गई कैसे फैल गई हिंदी में मुहावरा आग की तरफ फैल गई तो so, गांधी के आने की खबर और गांधी के आने के उद्देश्य की जानकारी पूरे मुजफ्फरपुर में आग की तरफ फैल गई और चंपारण भी लोग जान गए चंपारण तक लोगों को खबर लग गई कि गांधी चंपारण आ रहे हैं शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूड एंड बाय कन्वे कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन चैम्पियन मतलब विजेता होता है और चैंपियन मतलब ग्रेट सपोर्टर आई एम द चैंपियन ऑफ वीमेन्स अपलिफ्टमेंट महिलाओं के उद्धार का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ चैंपियन मतलब किसी चीज़ के पक्ष में खड़े होने वाला बहुत मजबूती से खड़े होने वाले को चैम्पियन बोलते हैं तो so, चंपारण से जब ये हवा उड़ी जब लोगों को खबर मिली कि गांधी जी मुजफ्फ़रपुर आए हैं और चंपारण आएंगे और किस लिए आएंगे तो चंपारण से बहुत से किसान जिसे शेयर क्रॉपर यहाँ कहा गया है वो किसान पैदल और विभिन्न गाड़ियों में चाहे बैलगाड़ी हो चाहे ट्रेन गाड़ी हो अलग अलग जरिए से मुजफ्फरपुर पहुँच गए किस लिए अपने इस नेता को अपने इस चैम्पियन को सपोर्ट करने के लिए देखने के लिए टू सी देयर चैंपियन कौन है वो आदमी जो चंपारण आ रहा है जरा देखें तो किसमें इतनी हिम्मत हुई जो अंग्रेजों को चैलेंज करने के लिए चंपारण आ रहा इतनी ताकत किस में है और ये सारे किसान तो वैसे ही बड़े परेशान थे अंग्रेजों से क्योंकि अंग्रेजों की जो पुरानी जो खेती की पद्धति थी जो नियम थे उसके तहत शेयर क्रॉपर को बड़ा न्याय लग रहा था दे केम ऑन फूट ऑन फूट मतलब पैदल एंड बाय मतलब ट्रांसपोर्ट का जरिया मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे वकील थे टू कॉल ऑन मतलब किसी को विजिट करना टू विजिट समबडी आई कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विजिट किया आई कॉल्ड ऑन हिम आई कॉल्ड ऑन द कलेक्टर सो टू कॉल ऑन और कॉल मतलब बला कॉल मैंने बुलाना कॉल ऑन मतलब किसी के पास जाना याद रखिए देखिये कितना अंतर हो जाता है इन जुड़ने से जाना हो गया ही कॉल्ड ऑन मी फिर वह मेरे पास आया मेरे पास गया तो हियर ऑल दीज पीपल फार्मर्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम चंपारण एडवोकेट्स, लॉयर्स आल्सो विजिटेड हिम ब्रीफ्ड हिम टू ब्रीफ करना मतलब संक्षिप्त में समझाना लॉयर्स लोगों ने संक्षिप्त में अपनी समस्याएं समझाई साथ ही राजनीति की अन्य बातें भी की दे फ्रीकुंटली रिप्रेजेंटेड प्रेजेंट ग्रुप इन द कोर्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जब तब यही वो वकील थे जो जब तब इन किसानों के केस को कोर्ट में किसानों के लिए कोर्ट में लड़ते थे किसानों के मामले के लिए कोर्ट में हाजिर होते थे टू तो रिप्रेजेंट मतलब की एवज में उपस्थित होना तो किसानों की एवज में ये लोग कोर्ट में उपस्थित होते थे ये वही वकील थे तो दे रिप्रेजेंटेड फ्रीक्वेंटली ट ग्रुप्स इन द कोर्ट फार्मर्स अकेले नहीं लड़ सकता था केस तो ऐसे कई फार्मर्स जिनका केस एक जैसा है, वो लोग इकट्ठे हो जाते थे एक दो वकील हायर करते थे और इन किसानों के पक्ष में ये वकील लोग कोर्ट में केस लड़ते थे और उसकी बड़ी मोटी फीस लेते थे फीस बहुत ज्यादा थी दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस इन वकीलों ने किसानों से संबंधित जो केस इनके पास आए हैं उसके बारे में गांधी को बताया एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस और अपनी फीस भी बताई कि एक ग्रुप आता है तो उसका ये यदि केस है तो उसकी हम फीस ये लेते हैं गांधी ने वो फीस बहुत मोटी पाई गांधी थॉट दैट दिस फीस इज टू मच पर्टिकुलरली वैन द फीस वॉज बींग टेकन फ्रॉम फार्मर्स एंड फ्राम दोज फार्मर्स हु फील दैट दे आर सफरिंग इन जस्टिस वो फार्मर्स जो अन्याय और गरीबी से वैसे जूझ रहे थे उनसे ये वकील लोग मोटा पैसा ले रहे थे कोर्ट में केस लड़ने का पर गांधी ने उनको बताया नहीं क्या इसका क्या करेंगे बस उनसे पूछा फीस कितनी लेते हैं आप केस किस तरह के लड़ते हैं किस तरह के किसानों के मामले आपके पास आते हैं कोर्ट में उसका क्या परिणाम होता है आदि आदि और ऐसा कहते करते हुए गांधी ने किसानों की समस्याओं को बहुत गहराई तक समझने की कोशिश की गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम शेयर क्रॉपर चाइड करना मतलब लताड़ना ही चाइडेड मी गांधी ने लताड़ा इन वकीलों को गांधी चाइडेड द लॉयर्स इन वकीलों को लताड़ा फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर स्वाभाविक था गांधी को खराब लगा कि ये वैसे ही किसान गरीब हैं दरिद्र हैं ऊपर से इनके साथ वैसे ही अन्याय हो रहा है बहुत और ऊपर से आप इनकी फीस ले रहे हो वो भी बड़ी मोटी रकम सो ही चाइडेड उनको लताड़ा दारा एंड सेड आई स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट अब मैं इस निर्णय पर आया हूं आई हैव कम टू द कंक्लूजन टू कंक्लूजन मतलब निर्णय टू कंक्लूड मतलब निर्णय लेना निर्णय करना टू कंक्लूड मतलब समाप्त करना द प्रोग्राम इज कंक्लूडेड नाउ वहां समाप्त होना एंड आई कंक्लूड दैट यू आर करेक्ट मुझे लगता है इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि तुम सही बोल रहे हो सो गांधी कंक्लूडेड दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द कोर्ट हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए अर्थात वकीलों को अनुरोध किया कि इनके मामले कोर्ट मत ले जाओ किसानों से अनुरोध किया कि वकीलों के माध्यम से तुम्हारा निराकरण नहीं होगा इसलिए इनके पास अपने केस लेके मत आओ कोर्ट जाने के लिए मत आओ सो आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट Taking such cases to the court does not do any good. ऐसे मामले कोर्ट में ले जाने से कोई अच्छा किसी का नहीं होगा किसी की भलाई नहीं होगी He said it does little good. किसी की भी भलाई नहीं होगी कोर्ट जाओगे केस लड़ते रहोगे न्याय की प्रतीक्षा करते रहोगे किसान लोग पैसा देते रहेंगे और वकील लोग पैसा चूसते रहेंगे भलाई किसी की नहीं हो रही है वे आर द प्रजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन टू स्ट्राइक मतलब क्या होता मारना फियर से जिनको मार दिया गया है डर जिनके शरीर में बैठ गया है दिमाग में बैठ गया है अंदर घुस गया है जिनके मन में डर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी ऑफिशियल डम के खिलाफ और वे आर द प्रजेंट्स आर सो क्रस्ट जहां उसे कुचल दिया गया है जहाँ किसानों को इतना कुचल दिया गया क्रश कर देना मतलब दबा देना कुचल देना क्रश द आइस द कर... आइस आइस को क्रश करो जहाँ उन्हें क्रश कर दिया गया है जहाँ वो इतने घबराए हुए हैं फेयर स्ट्रिकन फेयर स्ट्रिकन घबराए हुए हैं लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस ऐसे मामले में ऐसी जगह में लॉ कोर्ट जो हैं वो यूजलेस हैं कोई इसका अर्थ नहीं है बेकार है बेकाम है गैर उपयोगी हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर उनके लिए तो वास्तविक राहत तब होगी जब वो भय से मुक्त हो जाएं। द रियल रिलीफ विल बी फ्रीडम फ्रॉम फियर अर्थात जो इतने गए उनको घबराहट से निकालने की जरूरत है तब उनको राहत मिलेगी कोर्ट जाने से नहीं मिलने वाली राहत ये गांधी की सोच थी और इसीलिए कोर्ट मत जाओ कोर्ट के मामले मत लाओ वकीलों को कहा कोर्ट के, के केस मत ले जाओ किसानों के किसानों से कहा आप लोग वकीलों के पास मत जाओ क्योंकि गांधी का विश्वास था सबसे पहले मन से जो डर है उसको हटाओ रिमूव द फियर फ्रॉम विद इन अपने अंदर जो डर है उसे हटाओ गांधी जी को ये पूरा विश्वास था कि जो है उससे मुक्ति पाना सबसे पहले जरूरी है सबसे अहम है कोर्ट यहां वहां के चक्कर कोई मतलब नहीं फ्रीडम फ्रॉम फियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ फ़ियर फ्रॉम व्हाट फ़ियर फ्रॉम व्हाट किस चीज का भय से मुक्ति भय तो कई तरीके की होती भगवान का भय होता है बड़ों का भय थोड़ा रहता है जो स्कूल के शिक्षक और प्राचार्यों से भय रहता है क्या उस मुक्ति की बात कर रहे थे नहीं गांधी किसी और तरीके के भय की बात कर रहे थे लर्न अबाउट इट लेटर बट वट ही सेड वॉज दैट द बेस्ट वे टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम इज यू मस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम फियर आपकी समस्याओं का सबसे समस्याओं के निराकरण का सबसे सही तरीका है भय मुक्त हो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड अरेबल मतलब खेती करने वाला जहां खेती होती उपजाऊ बैरन मतलब अन उपजाऊ तो अरेबल लैंड जहां पर खेती हो सकती थी चंपारण जिले में ये दो तरीके की थी एक तो पहला बड़ी बड़ी भूमि बड़ा बड़ा भूमि क्षेत्र लार्ज एस्टेट ई एस टी ए टी एस्टेट मतलब बहुत बड़े प्लॉट्स बहुत बड़ी भूमि क्षेत्र ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एक तो जमीन ऐसी थी जो अंग्रेजों के द्वारा जो अंग्रेज जिसके मालिक थे और वो जमीनें बहुत बड़ी थी और दूसरी जमीन वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स दूसरी ऐसी जमीन जिसमें अंग्रेज लोग टेनेंट के नाते किराएदार के नाते काम कर रहे थे इस प्रकार दो ही तरीके की जमीन थी बड़ी और छोटी बड़ी जमीन है अंग्रेजों के हाथ टेनेंट वेयर इंडियंस एंड देर वर्किंग ऑन स्मॉल तो दे ओनर्स एंड देर टेनेंट। या तो मालिक थे और या किराएदार थे मालिक अंग्रेज किराएदार भारतीय भारत में भारतीयों की ये हालत लुई फिशर यही सबको बताना चाह रहा है कि भारतीयों की स्थिति भारत के अपने ही देश में क्या थी कितनी समस्याएं थी सामाजिक समस्याएं आर्थिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो कमर्शियल क्रॉप क्या कहते है? किसे कहते हैं ऐसी फसल जिसमें व्यापार होता हो सब्जियों में व्यापार नहीं होता वो कमर्शियल क्रॉप नहीं कहलाती है. वो तो वेजिटेबल कमर्शियल क्रॉप मतलब जिसमें बिजनेस होता हो इंडिगो जो है वो ही कमर्शियल क्रॉप था जिसमें व्यापार होता था बहुत महंगी दाम मिलते थे बहुत महंगी कीमत रहती थी बहुत महंगे रहते थे कीमती रहते थे तो वहां पर वहां का मुख्य क्रॉप क्या था चंपारण का इंडिगो चीफ मतलब मुख्य नील की खेती वहां का मुख्य खेती थी खेती में सबसे ज्यादा नील की खेती होती थी लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो जो लैंडलॉर्ड थे जमींदार जो थे जमींदार लोग किसानों के लिए ये कंपलसरी कर दिए थे टू कंपेल मतलब मजबूर करना डोंट कंपेल मी टू रन अवे फ्रॉम यर मुझे भागने के लिए मजबूर मत करो डोंट कंपेल मी टू स्पीक आउट द ट्रूथ मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो मैं चुप हूं नहीं तो तुम सच बोलने पर मजबूर कर रहे हो डोंट कंपेल मी आई वॉज कंपेल्ड टू टेल द ट्रूथ सच बोलने के लिए मैं मजबूर हुआ राइट सो हियर ड जो थे दे कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट थ्री ट्वेंटी और फिफ्टीन परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट यहाँ लुई फिशर बता रहे हैं कि जो किसान थे उन्हें मजबूर किया गया था कि पंद्रह परसेंट जो जमीन है उसमें इंडिगो की खेती करोगे आपको जितनी भी जमीन है उसमें इंडिगो की खेती करोगे नील की खेती करोगे उसके कितने हिस्से में पंद्रह परसेंट हिस्से में और या तीन बटा बीस हिस्से में इतने में क्या करोगे केवल इंडिगो की खेती ये मजबूरी एक और दूसरी मजबूरी थी कि ये जो फसल होगी वो आप हमको किराए के रूप में दे दोगे टेनेंट फार्मर्स मतलब किराए वाले किराए में किसान थे ज़मींदार लोग तो खुद खेती करते नहीं थे ज़मींदार लोग ज़मीन को टुकड़ों टुकड़ों में किसान को किराए में देते थे और उम्मीद करते थे कि हमको हर साल किराया दोगे और किराया भी कैसा तय था कि भाई आपको जितनी ज़मीन दी गई उसके पंद्रह प्रतिशत हिस्से में आप केवल इंडिगो लगाओगे और इंडिगो की फसल की जो भी आय है या पूरी फसल है वो हमको दे दोगे ये किराया हो गया फिर इसको बेचकर जो बहुत महंगी थी इंडिगो की कीमत बहुत ज्यादा थी उसको जमींदार लोग बेचते थे और उस कमाई के बल पर ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे लेकिन किसान का क्या होता था एक तो इंडिगो की खेती की मेहनत और कमाई जमींदार की दूसरा खेती खुद कर रहा है एक तो किराए पे कर रहा है उसमें भी पंद्रह प्रतिशत हिस्सा इंडिगो में करने की मजबूरी तो बेचारा किसान मारा जा रहा था सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट सरेंडर करना मतलब आप जानते हैं दे देना एज रेंट दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ये जो था ये जो पद्धति थी इंडिगो को किराए में इंडिगो के उपज को किराए के जरिए लेना ये बहुत पुरानी पद्धति थी लॉन्ग टर्म और बड़े लंबे समय से बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता था ये हर साल का नहीं होता था समझौता पहले से लिखित में समझौता हो जाता था कि आप इतनी फसल उगाओगे उसमें इतना हिस्से में इंडिगो लगाओगे इंडिगो को हमको वर्ष के अंत में किराए के रूप में दे दोगे ऐसा बाकायदा लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता था प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड लर्न सिंथेटिक इंडिगो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल नकली इंडिगो बनाने की कला उन्होंने हासिल कर ली थी कुछ ने जर्मनी ने प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड लर्न अब लुई फिशर कह रहे हैं अब जमींदारों को मालूम हुआ अब मतलब कब 1916-17 में कि जर्मनी में आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम रूप से इंडिगो बनाया जाने लगा कृत्रिम रूप उपजनी अब आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तो कृत्रिम रूप से जर्मनी में अब इंडिगो बनने लगा है दे देयर अपॉन ऑप्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर परिणाम क्या हुआ कि अब कृत्रिम इंडिगो की बिक्री बढ़ गई बहुत ज्यादा तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया भारत में उन्होंने किसानों के साथ नए एग्रीमेंट बनाए दे ऑप्टेन फ्रेश एग्रीमेंट फ्रॉम शेयर क्रॉपर टू पे दम कॉम्पेंशन फॉर बींग रिलीज फ्रॉम द फिफ्टीन परसेंट अरेन्जमेंट कि ठीक है अब से तुमको ये पंद्रह परसेंट इंडिगो का जो बंधन है पैदा करने का वो हम हटा देते हैं लेकिन इसका पूरा किराया पंद्रह परसेंट का देना पड़ेगा तभी तुमको छोड़ो कि आप लोग टू रिलीज मतलब छोड़ना देयर अपॉन परिणाम स्वरूप दे देयर अपॉन वे लोग परिणाम स्वरूप वे मतलब कौन लैंडलॉर्ड दे ऑप्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम फार्मर्स कॉम्पेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति के रूप में उन्होंने किसानों से एक एग्रीमेंट कराया और उसमें कहा कि पंद्रह परसेंट का जो बंधन है उससे मुक्त कर दिया लेकिन उसके बदले आप हमें कुछ क्षतिपूर्ति दोगे दिस वॉज न्यू एग्रीमेंट नाउ और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि अब इंडिगो की फसल की जरूरत अब कम हो गई क्यों क्योंकि जर्मनी में कृत्रिम इंडिगो आने लगा जो सस्ता भी था मजबूत भी था और पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ गई तो उपज वाली जो इंडिगो थी उसकी मांग कम हो गई गिरती मांग के परिणामस्वरूप इस कमर्शियल क्रॉप की कीमत भी गिरने लगी इसके बायर्स कम हो गए तो लैंड लॉर्ड लोगों को लगा क्या किया जाए पहले इतनी फसल की इतनी जमीन का इतना किराया मिल जाता था बेचने पर इंडिगो को अब नहीं मिल रहा है तो उन्होंने मजबूर किया इन किसानों को नया एग्रीमेंट बनाने के लिए यानी जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट थे उसको रद्द किया और उसके बदले नया एग्रीमेंट बनवाया जिसमें कहा कि भाई आप हमको क्षतिपूर्ति के रूप में हमें इतना पैसा दोगे हर साल और ये जो पंद्रह परसेंट जमीन में जो इंडिगो उबाने का बंधन था उससे अब आप मुक्त हो रिलीज होगा तो यदि ड्रोन जैसी चीज से ऊपर से देखा जाए फोटोग्राफी की जाए तो पूरा शहर किसानों से भरा हुआ था और उनके काले बाल मानो पूरे शहर को काला कर रहे थे आप सोच सकते हैं कितनी भी यू कैन इमेजिन हाउ मच क्राउड मस्ट है कम बिकॉज दे लर्न दैट गांधी इज गोइंग टू द कोर्ट दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट नो इन किसानों को जो भारी संख्या में आए थे उन्होंने उनको गांधी के बारे में कुछ नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया ये तो बेचारे अशिक्षित किसान थे अनपढ़ किसान थे पूरे समय खेत में ही व्यस्त रहते थे पूरे समय इन अपने जमींदारों से मालिक की जी हजूरी करने उनकी सेवा करने और उनके विरोध करने में व्यस्त रहते थे दूर दराज के गांव में रहते थे वहां कौन जानेगा गांधी को लेकिन हाँ उनको गांधी के साउथ अफ्रीका के उनके जो आ, कारनामे थे साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी गांधी ने आवाज उठाई थी और जो आंदोलन किए थे उसकी तो उनको कोई जानकारी नहीं थी लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर सुना था दे मेयरली हर्ड दैट ए महात्मा Who wanted to help them was in trouble with authorities. A Mahatma. 1915 की घटना में, महात्मा के रूप में संबोधित कर और लुई फिशर ने भी जब लिखा है ये किताब ये बायोग्राफी तो उसने सुनिश्चित किया होगा कि उस समय महात्मा बोला जाता था कि नहीं और तब उसने लिखा है तो गांधी हैड बिकम महात्मा इन जस्ट वेन ही अराइव महात्मा गांधी वॉर नो स्म रिमेम्बरों को गांधी के साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने किया था उसकी कोई जानकारी नहीं थी वो अनपढ़ थे अशिक्षित थे लेकिन उनको इतना जरूर मार दे उन्होंने इतना जरूर सुना था मियरली हर्ड केवल सुना था मियरली मतलब केवल थोड़ा आई गॉट मियरली ट्वेंटी रुपीज मुझे केवल दस रुपए मिले बीस रुपए मिले ही मियरली सेड दैट आई एम गोइंग उसने केवल यही कहा केवल मतलब थोड़ा केवल मैंने आई मीन मेयरली मतलब थोड़ा मेयरली मतलब कम केवल So उन्होंने केवल इतना ही सुना था कि एक महात्मा कोई है जो हम लोगों की मदद करना चाहता है हु वॉन्टेड टू हेल्प वो थोड़ी परेशानी में है अथॉरिटीज़ के साथ अथॉरिटीज मतलब ब्रिटिश सत्ता अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट अंग्रेज ऑफिसर अंग्रेज कमिश्नर अंग्रेज पुलिस उनके साथ कुछ परेशानी में हैं. और ये वही है महात्मा है जो हमारी मदद के लिए आया है वो परेशानी में है तो चलो मोतिहारी चलो सबके सब मोतिहारी गांधी जी को एक मानो मॉरल सपोर्ट देने के लिए इकट्ठे हो गए मतलब कहना चाहिए सहज बिना किसी पूर्व आभास के कुछ हो जाता है तो स्पॉन्टेनियस इट वॉज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसने कुछ कहा बॉस ने एक जोक कहा और मैं जोर से हंस दिया तो जोर से हंसना बॉस के सामने तो अच्छा नहीं माना जाता लेकिन यदि मैं जोर से हंस दिया तो इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस रिया एक सहज रिएक्शन था एक्सीडेंट जब होता है तो किसी को बचाने जाते हैं तो सोचते नहीं हम सहज में चले जाते हैं बचाने के लिए ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं इट वॉज ए वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट आई वेंट टू हेल्प दैट बॉय मेट विथ एन एक्सीडेंट सो देस डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो उन्होंने हड़ताल की थी इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस न्यायालय के आसपास हजारों की संख्या में जो उनका जो प्रदर्शन था डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात प्रदर्शन वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन ये उनके स्वतंत्रता की शुरुआत थी लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता लिबरेशन मने स्वतंत्रता आपने सुना होगा लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ 1971 में एल टी टी ई लिबरेशन ऑफ तमिल इलाम टाइगर्स श्रीलंका का जो आतंकवादी गुट था जिसका सफाया हो गया उसका भी नाम शुरू होता था लिबरेशन सो लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता इन थाउजेंड दीज पीपल से हजारों लोग कोर्ट के आसपास इकट्ठे हो गए थे किसी ने उनको बुलाया नहीं था भड़काया नहीं था किसी ने धक्का जबरदस्ती नहीं की थी अपने आप आ गए केवल यही सोच के कि एक कोई महात्मा है जो हम लोगों की मदद कर रहा है उसको उसका उसको सरकार के साथ कुछ समस्या हो गई है तो चलो जरा देखते हैं क्या समस्या है चलो उसकी मदद करते हैं करके सब आ गए और यही शुरुआत किस बात की थी लुई फिशर कहते हैं दिस इंसिडेंट डेमोन्स्ट्रेशन ये जो प्रदर्शन था इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन देयर मतलब किसानों की स्वतंत्रता की शुरुआत यहीं से होती है अब लिबरेशन स्वतंत्रता किस चीज से स्वतंत्रता क्या अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेजों से भय मुक्ति की शुरुआत ये जो घटना है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यहां से शुरू होती है भारतीय किसानों की अंग्रेजों से भय मुक्त होने की शुरुआत और आपको मैंने पूर्व में बताया था कि गांधी लगातार फियर डर को हटाने की बात करते थे डर किस बात का निडर रहो डरो नहीं गलती की नहीं किए हो तो डर क्यों रहो और डरने वाले लोग वही होते हैं जो या तो कायर हैं गलती किए हुए हैं अपराध किए हुए हैं वही डरपोक हैं जो हमने नहीं किया है इस घटना से एक बदलाव आता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और भारत जो उन्नीस में स्वतंत्र हुआ लिबरेट हुआ उसकी शुरुआत लुई फिशर कहते हैं किसानों के मन से डर को मुक्त करने की शुरुआत ये चंपारण की घटना से हुई जो बाद में बहुत बड़ी घटना बनी अब देखिए मजा गांधी ने किसानों को तो नहीं बुलाया था हाँ सूचना दे दी थी सरकारी सरकार को कि मैं कल न्यायालय जाऊंगा और यह घटनाक्रम है पर उन्होंने किसी को उकसाया नहीं था प्रेरित नहीं किया था आदेश नहीं दिया था कि आओ हाँ, राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने जरूर टेलीग्राम किया था कि अपने कुछ प्रभावशाली सहयोगियों के साथ आ जाना लेकिन यहां तो हजारों की संख्या में किसान तो गांधी पर आरोप नहीं लग सकता था कि आपने उनको बुलाया है भीड़ भड़का रहे हो आप द ऑफिशियल फेल्ट तो क्या होता है परिणाम क्या होता है द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस जो अंग्रेज अधिकारी थे अंग्रेजी सरकार में जो अधिकारी थे वो अपने को असहाय अच्छा पाने लगे असहाय अच्छा महसूस किया क्या करें अब ये भीड़ को कैसे हटाएं? और वो भी भीड़ जो शांत है डंडा मारना मतलब इनको और उकसाना इस भीड़ के आने का दोष किस पे दें कुछ समझ में नहीं आया अपने को असहाय अच्छा महसूस किया और उनको लगा कि गांधी के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते मतलब इस भीड़ को हटाने के लिए हमें गांधी का सहयोग चाहिए होगा देखिए गांधी के सहयोग की अपेक्षा अंग्रेज सरकार कर रही है किस चीज के लिए सहयोग इस भीड़ को हटाने के लिए यह है ताकत शांति में यह है ताकत अवज्ञा में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की ताकत का ये बहुत बड़ा उदाहरण है दफिशियल फेल्ट पावरलेस असहाय विदाउट गांधी कोऑपरेशन, बिना गांधी के सहयोग के अपने को वे असहाय महसूस करने लगे जैसा मैंने बताया कि हजारों की संख्या में जो स्वफूर्त आए थे सहज रूप से आए थे स्पॉन्टेनियस वॉलंटरी किए वॉल्टियर किया था जिन्होंने स्वफूर्त वो अंग्रेजों के भय से किसानों की मुक्ति की शुरुआत मान सकते हैं एक और ये घटना वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों अंग्रेज असहज हो गए किसान बड़े सहज थे अब अंग्रेज असहज हो गए समझ में नहीं आ रहा था क्या करें सो दे नाउ डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गांधी दे हेल्प दे टुक हेल्प फ्रॉम गांधी एंड गांधी हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड और गांधी ने उन्हें व्यवस्था भीड़ की व्यवस्था को बनाए रखने में उनकी मदद की गांधी ने अंग्रेजों की मदद की किस मामले में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए भीड़ हिंसक ना हो उग्र ना हो और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना आ जाए कानून व्यवस्था की समस्या ना आ जाए इसमें अब गांधी मदद कर रहे हैं अंग्रेजों की कितना बदलाव ये है गांधी की ताकत यह है अहिंसा की ताकत यह है सच्चाई की ताकत वेल ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली गांधी बड़े विनम्र रहे और बड़े मैत्री भाव से रहे भीड़ को नियंत्रित करने में भीड़ को व्यवस्थित रखने में गांधी ने पूरी सहायता की विनम्र बने रहे ऐसा नहीं सहायता करते हुए उन्होंने अपना रौब झाड़ा और अंग्रेजों को महसूस कराया देखो मैं कितना बड़ा साहब हूं कि इन लोगों को मैं ये लोग मेरी बात सुनते हैं आपकी ऐसा कुछ नहीं गांधी विनम्र रहे ही रिमेंड पोलाइट विनम्र पोलाइट मतलब विनम्र एंड फ्रेंडली और दोस्ताना अंदाज में रहे अंग्रेज अधिकारी जो थे ये कानून के सेवक थे और इन अधिकारियों का काम था कानून के अनुसार काम करना तो कानून के अनुसार काम करना उनकी व्यवस्था थी इसलिए गांधी ने कहा इनपे नाराज मत हो इनसे क्या दुश्मनी ये लोग अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम करें इन्होंने हमसे सहयोग मांगा हम देते हैं सहयोग सो ही वॉज वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ देयर माइट अब गांधी उन्हें पक्का सबूत दे रहे थे उनकी शक्ति जो अब तक भय पैदा करने वाली थी ड्रेडेड यानी भय पैदा करने वाला टू ड्रेड आई ड्रेड दैट प्रिंसिपल मुझे इस प्राचार्य से बहुत डर लगता है भय पैदा कर देते हैं वो प्राचार्य महोदय बड़े दरा, बड़े डरा देते हैं डरा के रखते हैं आई ड्रेड स्विमिंग मुझे स्विमिंग से बड़ा डर लगता है तैराकी से बड़ा डर लगता है सो ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ ये उनको पक्का सबूत दे रहे थे गांधी किस बात का कि आपकी शक्ति जो अब तक भय पैदा करने वाली थी और अकाट्य थी अनक्वेश्चन्ड जिस पे कोई सवाल नहीं कर सकता था इट कैन बी चैलेंज बाय इंडियंस उसे भारतीय चुनौती दे सकते हैं ये उदाहरण से गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे इस घटनाक्रम से अंग्रेजों की मदद करके भीड़ को नियंत्रित करने में और साथ ही अंग्रेजों को यह महसूस कराया कि मैंने नहीं बुलाया है भीड़ अपने आप आई है गांधी ये साबित करना चाह रहे थे गांधी ये दिखाना चाह रहे थे अंग्रेजों को कि तुम्हारी जो शक्ति है अंग्रेजों उनको सबूत देना चाह रहे थे कि जिस शक्ति की अपनी बात करते हो और महसूस कराते हो कि बड़ा ड्रेडेड है भयानक हो आप लोग आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता उसको वो चुनौती है ये भीड़ यहां हजारों लोग खड़े हो गए हैं आपसे सवाल करने के लिए आपकी शक्ति कहां गई इनको आप कुछ नहीं कर पा रहे हो इनडायरेक्टली मन ही मन गांधी यही मैसेज अंग्रेजों को देना चाह रहे थे कि आप ये ना समझें प्लीज डू नॉट थिंक दैट यू नॉट बी चैलेंज प्लीज डू नॉट थिंक दैट इंडियंस कैन नॉट चैलेंज यू ये मत सोचिए कि भारतीय आपको चुनौती नहीं दे सकते इस गलत फहमी में मत रहना मेरे मित्र ऐसा गांधी अंग्रेजों को ए, मानो कह रहे हूँ मानो कह रहे हूँ